बच्चे मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग बैठ जाए, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर भी जरा बैठ जाए भाई, अंत तक बच्चों से बच्चों को मैं देख पाऊं। बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहकर बोलने वाला। मंच पर उपस्थित स्वामी जयंतनंद जी, सचिव रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ मेहर, स्वामी दिव्य सुखानंद जी, प्रधान अध्यापक जी, संसद में मेरे साथी और यहाँ के सक्रिय और यशस्वी जन प्रतिनिधि डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री नारायण दास जी, और आज जिनको मैं मिलने के लिए आया हूँ, जिसे रामकृष्ण मिशन के इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी, एम्स और इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पधारे हुए सभी विद्यार्थी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज इस विद्यालय के शताब्दी समारोह की कार्यक्रमों की श्रृंखला के एक कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला, और मैं स्वामी जयंतानंद जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे रामकृष्ण मिशन के साथ फिर से एक बार मंच शेयर करने का मौका दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य है। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी संस्था 100 वर्ष तक चलती है तो निश्चित हो जाता है कि इसको चलाने वाली संस्था, इसका प्रेरक बल और चालक बल समाज के लिए संस्था को चलाता है। जो संस्थाएं समाज के लिए नहीं चलती है वो 100 साल तक कार्यशील ही नहीं। सातत्यपूर्ण तरीके से 100 साल तक काम नहीं कर सकती। और विद्यालय ने 1922 से 2022 का जो सफर तय किया है, ये निश्चित रूप से रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का और रामकृष्ण मिशन के चलाने वाले सभी त्यागी तपस्वी संतों का, सन्यासियों का, तपस्या का ही सुफल है कि 100 साल से संस्था चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का काम करे। स्कूल में से बच्चा बाहर निकले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, जज बन जाए, न्याय के क्षेत्र में काम करने वाला कोई महाधिवक्ता बन जाए, ये देश के लिए अच्छा ही। मगर स्कूल ऐसे विद्यार्थियों को अपने स्कूल से बाहर भेजे जो चारित्रवान हो और साथ में डॉक्टर भी हो, जो चारित्रवान हो साथ में इंजीनियर, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर। मैं 12 साल की उम्र से सार्वजनिक जीवन में जुड़ा हुआ हूं। इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कई शैक्षणिक संस्थाओं और रामकृष्ण मिशन के विद्यालय से बाहर निकले हुए विद्यार्थियों का मेरा संपर्क आया है। दोनों के बीच में एक अंतर है
निर्माण था और चरित्र निर्माण के साथ साथ देशभक्ति से युद्ध समाप्त हुआ। रामकृष्ण परमहंसी के उपदेशों को विवेकानंद जी ने पूरे जग में प्रचारित प्रसारित और स्वीकृति देने का काम किया। सनातन धर्म के समग्र ब्रह्मांड के कल्याण के विचार को दिग्दिगंत तक विवेकानंद जी ने पहुंचाने का काम किया और उसी आदर्शों से बनी हुई रामकृष्ण मिशन ने मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि आजादी के बाद के कालखंड में रामकृष्ण मिशन से इसके विद्यालय से निकले हुए विद्यार्थियों ने भारत निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसमें कोई संशय मेरे में नहीं। इसी विद्यालय में नेताजी भी आए, विनोबा भावे भी आए, कई महापुरुष आए। आज मुझे भी इस पावन भूमि पर आने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य है। 1922 से यहां पर स्वामी शिवानंद जी महाराज और स्वामी तुल्यानंद जी महाराज ने इसकी स्थापना की, तब से लेकर अब तक एक बहुत कठिन परंतु यशस्वी यात्रा इस विद्यालय ने काट कर आज शताब्दी पर आप खड़े हैं। मेरे रामकृष्ण मिशन मठ के सभी सन्यासी और विद्यालय के सभी शिक्षकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि और 100 साल तक ये विद्यालय राष्ट्र निर्माण के काम में लगा रहे हैं और यहां से अनेक अनेक तेजस्वी ओजस्वी राष्ट्रभक्त विद्यार्थी देश के लिए काम कर। मैं अभी आ रहा था तो निशिकांत जी ने मुझे एक आश्चर्यजनक बात बताई कि कई सारे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग देवतर में करा लेते हैं क्योंकि बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाए। मैं नहीं मानता, पूरे देश भर में कई सारे अफसर देवधर का पोस्टिंग करा देते हैं क्योंकि बच्चे को इस स्कूल में इसकी नींव पड़ जाए, इसकी सोचने का आधार बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस काम कर्म के अलावे इतनी ख्याति इतनी सुगंध समाज के अंदर कभी भी पसरती नहीं। तो मैं मन से अरुणाचल में भी गया था, यहां पर भी आया हूं। मेरे जीवन पर पहले स्वामी विवेकानंद जी और उसके बाद में विवेकानंद जी को पढ़कर जानकर रामकृष्ण परमहंसी का मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है और देश और समाज के लिए उनकी जो व्याख्या और उनका जो रास्ता है समाज कल्याण का वो ही सत्य है, ये मैं मानता हूं। मैं अभ्यास करने वाले बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। अपने पुस्तक में वृंद जी जो बहुत महान साहित्यकार और शिक्षाविद थे, उन्होंने एक दोहा लिखा था, करत करत अभ्यास के छड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात दे सील पर परत निशान। इसका मतलब है बार बार पढ़ने से बार बार समझने से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, जैसे रस्सी के एक कई बार घिसने से कुएं के पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम से ही
डाल देते हो तो सफलता कभी नहीं। तो सबसे पहले तो परिश्रम एकमात्र विकल्प है सफलता का, और फिर सफलता प्राप्त होने के रास्ते में ईश्वर का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। और ईश्वर का आशीर्वाद कब मिलता है? ईश्वर का आशीर्वाद तभी मिलता है जब सफलता प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य हम खुद न हो, समाज हो और कोई हो। अगर हमारे जीवन के कल्याण के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए हम परिश्रम करेंगे तो सफलता मिलेगी तो भी सीमित। अगर हम तय कर लेंगे कि मेरे परिवार के कल्याण के बाद भी बहुत सारी ऊर्जा मेरे पास बची है, मेरे संसारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन तो मैं करूंगा ही, परंतु पूरे समाज का, पूरे देश के उत्थान के अंदर भी मैं योगदान करूंगा, तो निश्चित मानना ईश्वर के आशीर्वाद आप पर जरूर आएंगे और सफलता की सबसे बड़ी चोटी पर आप अपने आप को पाओगे। जीवन में उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को जोर शोर के साथ मनाने का निर्णय किया। इसके तीन उद्देश्य हमारे सामने रखे। एक तो 1857 से लेकर 1947 तक जो आजादी का आंदोलन चला, इसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अलग अलग प्रकार से योगदान दिया, बलिदान दिया। वो नामी अनामी सभी आजादी के संग्राम के लड़ने वालों को हमारी नई पीढ़ी ने जानना था, हमारी नई पीढ़ी ने पहचानना कि क्या चीज थी कि 14 साल का खुदीराम बोस हंसते हंसते गीता हाथ में लेकर फांसी के माचे पर चढ़ गया और बली हो। क्या चीज थी कि 23 साल का शहीद भगत सिंह भारत माता को आजाद करने के लिए माफी मांगने के विकल्प को ठुकराते हुए अपने आप को शहीद करकर फांसी की फंदे पर लग गया? ये जब तक हम नहीं जानेंगे हमारे जीवन के उद्देश्य के चयन में हम गलती करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, जज, अधिवक्ता, जो कुछ भी बने सबसे अच्छे बने, परंतु आपका डॉक्टर बनने के बाद भी देश के प्रति, कर्तव्य के प्रति आप सजग हैं। इंजीनियर बनने के बाद भी आपके देश के प्रति कर्तव्य से आप सजग हो, इसके लिए आजादी के आंदोलन को जानने के लिए एक आजादी का अमृत महोत्सव है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि 75 साल में हमने जो प्राप्त किया है, बहुत बड़ी सिद्धि हमने प्राप्त की। हम एक सुई नहीं बनाते थे, सब विदेश से आता था, आज हम चंद्र पर जा सकते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि इस देश ने प्राप्त की। कई क्षेत्रों में कई सिद्धियां प्राप्त की, इस सिद्धि की यात्रा को भी युवाओं को समझना चाहिए। और तीसरा 75 साल पर युवा पीढ़ी ने संकल्प करना है कि आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब देश दुनिया में सबसे पहले स्थान पर होगा हर क्षेत्र। तो ये आजादी का अमृत महोत्सव सिर्फ उत्सव बनाने का, गौरवगान करने का महोत्सव नहीं, संकल्प लेने का वर्ष। और आजादी का अमृत काल 75वें साल से 100वें साल तक के 25 वर्ष वो संकल्प को सिद्ध करने के लिए पराक्रम की पराकाष्ठा करने के 25 साल। और मैं आपको बताता हूं, मैं या स्वामी जी 2047 में शायद नहीं होंगे,
अगर मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना वो सभी 2047 में होंगे, ये जिम्मेदारी हमारे साथ साथ आपकी सबसे ज्यादा है। महान भारत की रचना, महान भारत की रचना सिर्फ समृद्धि से नहीं होती। महान भारत की रचना का मतलब है विवेकानंद की कल्पना का भारत। महान भारत की रचना का मतलब है समग्र संसार के अंदर हमारे मूल विचार को, हमारे सार तत्वों को भारतीय संस्कृति के वहां पहुंचाकर समग्र संसार के सोचने का तरीका साफ करना। और महान भारत की रचना का काम युवा ही कर सकते। ये तो मैं आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत सारे युवाओं के साथ 5 युवाओं से लेकर 4 लाख युवाओं तक बहुत संवाद किए। कई जगह युवाओं ने बताया कि आपने भगत सिंह की बात करी, खुदीराम बोस की बात करी, मगर देश आजाद है, हम तो देश के लिए शहीद नहीं हो सके। आपकी बात सही है, देश आजाद हो चुका है, अब देश के लिए शहीद होने की जरूरत नहीं है, देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें देश के लिए जीने का संकल्प। हम हमारे जीवन के उद्देश्य भारत को महान बनाने का उद्देश्य अगर लेकर हम निकलते हैं तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत को महान बनने से, सर्वप्रथम हर क्षेत्र में बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, आपको मेरा आग्रह है कि मोदी जी 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, ये नई शिक्षा नीति को आपको जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि नई शिक्षा नीति बनती थी तब से मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूं। ये नई शिक्षा नीति का नींव स्वामी विवेकानंद जी के संदेश, स्वामी जी ने कहा था जो शिक्षा आम नागरिक को जीवन के संघर्ष के लिए समर्थ नहीं बनाती, जो शिक्षा विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण नहीं करती, जो शिक्षा बच्चों में परोपकार का भाव निर्मित नहीं करती और सिंह जैसा साहस पैदा नहीं करती, वो शिक्षा अधूरी है, आधी है और उद्देश्य भी है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में स्वामी जी ने हमारे लिए रखे बच्चों को पूर्ण करने के लिए मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, जिसमें हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, इस सब पर गर्व करते हुए विश्व के आधुनिक से आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करने की सुविधा। भारत के समाज को और विशेषकर भारत के युवाओं भाषा की लघुता गलती से बाहर आ जाए। सबसे महान भाषाएं अगर कहीं है तो इस देश के अंदर, और मैं आपको बताता हूं दुनिया की कोई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं, परंतु अपनी भाषा को सचो कर रखना, अपनी भाषा को सीख कर रखना, क्योंकि हर व्यक्ति मां की भाषा में ही सोच सकता है। आपकी सोचने की क्षमता सबसे अच्छी मातृभाषा में, आपकी विश्लेषण की, एनालिसिस की क्षमता सबसे अच्छी मातृभाषा में, आपकी तर्क की, लॉजिक की सबसे अच्छी क्षमता आपकी मातृभाषा में, और आपके डिसीजन लेने की, निर्णय शक्ति बढ़ाने की सबसे अच्छी क्षमता अगर कोई एक भाषा में है तो आपकी मातृभाषा। मेरा बच्चों से आग्रह है कि मातृभाषा को जरूर पकड़ कर रखना। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति
अब लगभग लगभग नीचे पहुंचने आई है। हमारा पूरा शिक्षा का खाका अब परिवर्तित होगा। शिक्षा भारतीय संस्कारों के साथ, भारतीय इतिहास के साथ, भारतीय संस्कृति के गौरव के साथ विश्व भर की हर क्षेत्र की आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भारत में उपलब्ध कराने के लिए ये सरकार काम कर रही है। आज मैं स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस जी से लेकर यहां पर बैठे स्वामी तक सभी की तपस्या से ये विद्या का एक अनरत यज्ञ 100 साल से चल यहां पर चल रहा है। वो प्रयास को, ये महान योगदान को मैं प्रणाम करकर मेरी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वामी जी के बताए रास्तों पर हम चले ऐसी अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। और अब रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के प्रधानाचार्य स्वामी दिव्य सुधानंद जी महाराज से आग्रह होगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें।